हेलो दोस्तों, मेरे चैनल एनकेजे क्रिएशंस पर आपका स्वागत है। बड़े बुजुर्गों द्वारा बताई गई बहुत ध्यान देने योग्य जरूरी बातें। नंबर एक, यदि चोट लग जाने के कारण खून बह रहा है तो बहते हुए खून को रोकने के लिए फिटकरी को पानी में डुबोकर खून निकलने वाली जगह पर रगड़ने से खून निकलना बंद हो जाता है। नंबर दो, यदि आपको थकावट हो रही है तो अदरक, लौंग, दालचीनी, इलायची वाली चाय पिए, इससे थकावट दूर हो जाती है। नंबर तीन, कच्चा लहसुन खाने से खून गाढ़ा नहीं होता है और शरीर में ताजा खून पैदा होता है। नंबर चार, यदि केला कच्चा है और आप उसे पकाना चाहते हैं तो केले को पेपर में लपेट कर रखें, एथिलीन गैस निकलती है जिससे केला जल्दी पक जाता है। नंबर पाँच, यदि आप चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं तो दिन में 2 से 3 काजू का सेवन जरूर करें। नंबर छः, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगे तो फौरन अंजीर के 2 दाने खा लें, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। नंबर सात, अगर आपको सूखी खांसी रहती है तो आप रात को सोते समय गर्म दूध में 1 चम्मच देसी घी डालकर पिए। ध्यान रखें, दूध पीने के बाद पानी नहीं पीना है। नंबर आठ, यदि आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं तो लकड़ी के कंघे का इस्तेमाल करें, इससे बाल कम टूटते हैं और बाल मजबूत रहते हैं। नंबर 9, यदि आपको सूखी खांसी की समस्या है तो किशमिश का सेवन करें। नंबर 10, यदि आपका शरीर ढीला है तो तेज चलने की आदत डालें, तेज चलने से शरीर टाइट रहता है। नंबर 11, यदि आपके शरीर में कमजोरी महसूस होती है तो सलाद में चुकंदर जरूर खाया करें। नंबर 12, जिन लोगों को मोटापे की समस्या है उन्हें चावल से परहेज करना चाहिए, क्योंकि चावल मोटापे को जल्दी बढ़ावा देता है। नंबर 13, यदि आप ठंडा दूध का सेवन करते हैं तो आज से ही गर्म दूध का सेवन करना शुरू कर दें, क्योंकि गर्म दूध हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। नंबर 14, अगर आपको गैस की वजह से सिर दर्द हो रहा हो तो 1 चम्मच लहसुन का रस पिए, इससे सिर दर्द तुरंत दूर हो जाएगा। नंबर 15, दही जब भी खाएं तो किसी गर्म चीज जैसे कि चावल या गर्म रोटी के साथ ना खाएं। नंबर 16, जीरा खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलती है और साथ ही बदहजमी भी दूर होती है। नंबर 17, जो व्यक्ति 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं वह हमेशा स्वस्थ रहने के साथ साथ जवान और खूबसूरत भी रहते हैं, इसलिए हमेशा रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना चाहिए। नंबर 18, खाना खाते समय कभी भी बातें ना करें, ऐसा करना स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ठीक नहीं है। नंबर 19, जो औरतें दूध में छुहाड़ा डालकर पीती हैं उनके शरीर में कभी भी कमजोरी नहीं आती है। नंबर 20, बालों को लंबे और घने करने के लिए सरसों के तेल में थोड़ा सा दूध मिलाकर बालों में लगाएं, इससे बाल बहुत ही जल्दी लंबे और घने हो जाएंगे। नंबर 21, खीरे और पपीते के टुकड़े 1 समान मात्रा में पीस लें, अब इसमें थोड़ी सी मलाई मिलाकर चेहरे पर 15 मिनट तक लगाएं, ऐसा हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर करें। नंबर 22, गाजर का जूस पीने से चेहरा गोरा होता है, क्योंकि गाजर में विटामिन ए और विटामिन सी की मात्रा अधिक पाई जाती है जो शरीर को गोरा बनाने में मदद करता है। नंबर 23, थोड़ा सा शहद और नींबू के रस की कुछ बूंदे दही के साथ मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरा गोरा होने लगता है और 15 मिनट इस मिश्रण को चेहरे पर लगाएं और फिर साफ पानी से धो लें। नंबर 24, जिन बच्चों की हाइट रुक गई है उन्हें गुड़ और प्याज एक साथ खिलाएं, इसके सेवन करने से रुकी हुई हाइट बढ़ने लगती है। नंबर 25, साबुन या फेस वाश की जगह यदि चेहरे को दही में बेसन मिलाकर धोएं तो इससे चेहरे का रंग बहुत जल्दी साफ और गोरा होने लगता है। नंबर 26, यदि आप घर में मच्छर, छिपकली और चूहे से परेशान हैं और इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो घर के हर कोने में कपूर रख दें। नंबर 27, डबल रोटी या ब्रेड को दूध में डुबोकर खाने से पतले दुबले लोग भी सेहतमंद हो जाएंगे। नंबर 28, एक रिसर्च के अनुसार बताया गया है कि कुछ सफल इंसान तो अपने दिन भर का काम लगभग 70% सुबह के समय में ही पूरा कर देते हैं। सुबह जल्दी उठने से
आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करते हैं और आपके शरीर में दिन भर ऊर्जा बनी रहती है। इसलिए अगर आप हर तरीके से सफल बनना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठना शुरू कर दें। नंबर 29, शरीर पर सरसों के तेल की मालिश करने से गैस की बीमारी खत्म हो जाती है। नंबर 30, बालों में नारियल का तेल लगाने से बाल मजबूत हो जाएंगे। नंबर 31, दिया जलाकर देखने से नज़र तेज होती है। नंबर 32, दूध में नमक शामिल करके पीने से खून की कमी दूर हो जाती है। नंबर 33, जैतून का तेल दुनिया का एक ऐसा तेल है जो चर्बी में नहीं बदलता है, ये मोटापे से बचाने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। नंबर 34, गर्मी के दिनों में इमली का सेवन करने से सेहत को कई सारे लाभ मिलते हैं। इसका सेवन करने से गर्मी में लू लगने से बचा जा सकता है, साथ ही पाचन तंत्र को भी अच्छा करता है। नंबर 35, अगर आप रोजाना केला खाते हैं तो आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। नंबर 36, ठंडे दूध में शहद मिलाकर पीने से पेट को ठंडक और सुकून मिलता है। नंबर 37, बदहजमी की शिकायत रहती हो तो थोड़ा सा गुड़ खा लिया करें। नंबर 38, पानी में नमक मिलाकर घर में छिड़कने से घर में मच्छर नहीं आते हैं। नंबर 39, पानी में फिटकरी मिलाकर नहाने से शरीर से पसीने की बदबू नहीं आती है। नंबर 40, ज्वार की रोटी खाने से आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है। ज्वार में मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होती है, जो शरीर में कैल्शियम को ऑब्जर्व करने में मदद करती है। नंबर 41, यदि आप बिना सर्जरी के चश्मा हटाना चाहते हैं तो 3 से 4 इलायची को सौंफ के साथ पीसकर रोजाना दूध में मिलाकर पिएं। नंबर 42, यदि आपको चिंता या तनाव ज्यादा होता है तो आप 10 से 15 मिनट रोज वायु मुद्रा करें, इस तनाव को कम करने में काफी मदद मिलती है। नंबर 43, यदि बच्चों में ज्यादा मिट्टी खाने की आदत है तो पका हुआ केला शहद में मिलाकर खाएं, इससे मिट्टी खाने की आदत छूट जाती है। नंबर 44, गेहूं के दाने के बराबर चूना रोज दही में मिलाकर खाने से हाइट बढ़ने में मदद मिलती है, साथ ही ये मेमोरी पावर को भी बढ़ाती है। नंबर 45, मल त्याग करने से पहले पानी न पीने की भूल करना बहुत ही आम बात है। अगर सुबह उठकर आप 2 गिलास गुनगुना पानी पीते हैं तो आपको मल त्याग करने में आसानी होगी और शरीर के विकार को दूर करने में भी मदद मिलेगी। नंबर 46, यदि आप मखाने के 4 दाने रोज खाते हैं तो इससे आप शुगर को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। साथ ही इसमें कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है, जिससे हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद मिलती है। नंबर 47, मेथी के पत्तों का साग खाने से भूख बढ़ती है। नंबर 48, काली मिर्च पानी के साथ खाने से इंसान हमेशा स्वस्थ रहता है। नंबर 49, खाना खाते वक्त किसी चीज के बारे में ज्यादा ना सोचे, गुस्से में कभी भी भोजन ना करें। खाना खाने से पहले अपने आप को शांत करें, फिर भोजन करें। नंबर 50, यदि आप रोजाना सुबह तुलसी की 1 या 2 पत्ती चबाकर खा लेते हैं तो इस मौसम में होने वाले रोगों की वजह से बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे। नंबर 51, भोजन करने के बाद हमें दांतों को अच्छे से साफ करना चाहिए, ताकि वहां पर चिपके हुए भोजन के अंश निकल जाएं। इससे दांतों में कीड़ा नहीं लगता है और दांत हमेशा साफ और सुथरे रहते हैं। नंबर 52, सफर के लिए सब्जी बनाते समय मसाला भूनते समय थोड़ा सा सिरका डाल दें, इससे सब्जी का स्वाद तो बढ़ेगा ही और जल्दी सब्जी खराब भी नहीं होगी। नंबर 53, चावल का पानी रेगुलर चेहरे पर लगाने से मुहासे, चेहरे के दाग धब्बे दूर होंगे और स्किन चमकदार और मुलायम हो जाती है। नंबर 54, केले का नियमित सेवन करने से अनिद्रा, कब्ज, पेशाब की जलन दूर करने में और शरीर की कमजोरी को दूर किया जा सकता है। नंबर 55, गर्भावस्था में केसर वाला दूध पीने से बच्चा गोरा होता है, साथ ही महिला पर भी निखार आता है। नंबर 56, खाना खाने के बाद गुड़ का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद होता है, रोजाना गुड़ का किसी न किसी रूप में प्रयोग जरूर करना चाहिए। नंबर 57, कमर दर्द से राहत पाने के लिए सौंठ के पाउडर को गर्म पानी के साथ खाएं, इससे कमर दर्द में फायदा मिलता है।
नंबर 58। खाना खाने के तुरंत बाद नहाना शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। हमेशा ध्यान रखें, खाना खाने से पहले ही नहाना चाहिए। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद।